नमस्कार मु मिता होम किचन को आपन समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आज आम आउ गोटे रेसीपी देखा जोटा भेज आइटम से आमर जो काबुली चना बा छोले मसला तरकारी जोटा कि समस्त पसंद नॉर्मली पिला मानकर तो एटा बहुत पसंद एवं एटा बहुत हेल्दी मध्य देह पाई का आ एटा बहुत कम तेल मसला रे आम आज बनैबा घरे थिबा सामग्री रे बनैबा। एबे चलंत आम स्टार्ट करबा केमते एडा को बनैबा। प्रथमे आमे कौन करिबा ना किछि छोले नबा मोठी पाखापाखि 150-200 ग्राम पाखापाखि छोले नेजी ताको कौन करिबे ना मीन गोटे दिन पूर्वरु राति रुही ताको भिजेकि पानी रे रखे देबे नाही त जदि न सेटा संभव नहि मैक्सिमम 7-8 घंटा त निहाती भिजिबा दरकार नाही त सेटा भलो होबनी। तापरे ताको आमे सिझाइ देबा आपन चाहिले प्रेशर कुकर रे ताको सिझाइ पारिबे जेमिति छोले बुड़ी जीवो सही टाइप रो ता ऊपर पर्यंत पानी रहिबो सही टाइप रो रखी के ताको 6-7 सिटी दे देबे। मु एटे कोन करछि ना को इंडक्शन रे सिझै छी सेति पई के बहुत अधिक पानी दे किना प्राय त 40 मिनट रो 45 मिनट पाखा बेकी ताको सिझै छी। तापरे कोन करिबा ना हमटे मसला प्रिपेयर करिबा। साधारणत आज काली तेल मसला समस्त खायक पसंद करना दे त हमें कम तेल मसला रे बनया पई चाहिबा सेति पई मु एटे किछि पानी नै कि गोटे कराई रे तादरे टमाटर प्याज रसुण अदा एवं 6-7 खंडे काजू तापर 2 शुखिला लंका नहीं सिझाई देजिगला आमर से टेनसन रही मैंने कसला बेले आम थंडा कर ग्राइंड करनवा। तापर मुझे छोले बनवाई सोरिष तेल नहीं आपसी तेल व्यवहार करेंगे कि सोरिष तेल टेस्ट भल आसे। तापर से किसी सुखा मसला पकई जोड़ा है जीरा डालचीनी लवंग गोटे गुजराती गोटे तेजपत्र यहाँ बास्नापे पकेबा। अब ए मसलाटा को आम ग्राइंडिंग करने कहीं बाटिदे एटा बाटी हो खाइबा को भल लगे तो आप चाहिए बाटी भी पारे कि एमती कौन कले तार फ्लेवरटा तेल पलैसबा खाला बेले से आम बाछिक बाहर भी करें से गोटा मसला पकेबाटा मुझे बेस पसंद कैर आपन को जोटा पसंद लगे आपटा करें। आम कौन करवा ना तेज ग्राइंडिंग कर रखी मसलाटा को पकईदे जेहेतु आम ए मसला आगु सिझेक पेस्ट बनईदे से आम कम तेल ही यूज हे बेस तेल यूज हेनी जल्दी यहाँ कुक हो देखु 2-3 मिनिट पर आम से ग्राइंडर जार को धोई से पा देखिए मसला को कसा मैं से ननस्टिक कराई आहरी कम तेल रहीजु नॉर्मल पैन ने भी बेस तेल खर्च हेनी जेहतु सीझी जाइए तापर आम कौन करवा धीरे 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 फ्लेम एमती कसी चलिया जमती मसलू तेलटा बाहर जापर आप कौन करें मसला आम व्यवहार करवा मुझे कौन कौन मसला यूज कर देखूँ। प्रथम ये किसी हल्दी गुंड नहीं हाफ चमच पाखापाखि तापरे आवश्यक अनुसार एम लुण पकेबा मु छोले सिझला बेले लुण पकेनी से हिसाब से लुण पकेबी एवं साधारणत लोक मैंने जो मसला मुझे सिझेली प्याज रसुण से जो पाटा थी मुझे पाटा को देकना ही मसलाटा कसबी। तापर ये मुझे कलर पर किसी लंका गुंड नहीं कहीं आम तो रागपाई का शुखला लंका पकईे से केवल कलर पर ही लंका गुंड पकईवा से काश्मीरी लंका गुंड मुझे गोटे चमच पाखापाखि पकई देखु। तापर आम भलसे कसी ना तापर मुझे गोटे चमच पकई धनिया गुंड छोटे चमच रे तापर हाफ चमच जीरा गुंड जी धनिया गुंड ने तार अधा जीरा गुंड ने कहीं आम कि गोटा जीरा भी पकईे तार फ्लेवरटा भी अच्छे से कम यूज करवा। जदि आपने मो चैनल नुआ अच्छे मो चैनल को सब्सक्राइब करने को प्लीज अनुरोध रहा है और पाखे थे बेल आइकन को प्रेस कर भूलें जहाद्वारा नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपके पहुँच पारे ये आम स्वाद अनुसार लुण यूज करवा कहीं लुण जमा यूज ही करेंटी आम लुण यूज करवा मानने चना अनुसार मुझे आलू यूज करनी आप चाहिए चना सागर आलू भी यूज करेंगे। देखो मसलाटी आम भलसे कषी होता देहर तेल बाहर तापर आम कौन करवा ना से गोटे सिक्रेट मसला पकई जो मसाला ए मैजिक मसाला से मतलब बहुत पसंद आसे और बहुत टेस्ट भी बढ़े दिए आप थोड़े यूज करके देखु तापर कहे आम कौन करवा ना से छोलेटा को पकईद मुझे कौन से गरम मसला यूज करनी जेहेतु मुझे शुखिला गरम मसला पकई प्रथम रूपर मसला ही मैजिक मसला भी पकई से मुझे कौन से गरम मसला भी यूज करनी जदि आप मसला ही मैजिक मसला यूज न करेंगे कि आप ना गरम मसला यूज करेंगे किसी असुविधा नहीं। तापर आम से पानी देदे जेहतु आम छोले भी सीझी जाए मसलाटा भी सीझिकी पेस्ट होशी हो गला तेणु आम अल्प पा दे बेस पा आवश्यकता पड़े तथापि मसला सहित छोलेटा मिसापाई का पाटा आम देवाक पड़ो पाटा से मसला पा सहित छोलेटा सीझिले तो फ्लेवरटा पशिना टेस्ट लगे तपा भलसे कषि हो आसे
ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତିକି ଅନୁସାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଗ୍ରେଭି ସେ ଅନୁସାରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଛୋଲେ ମସଲା ପକାଇବା। ମୁଁ ଏଠି ରୁଚିର ଛୋଲେ ମସଲା ପକାଇଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ର ଯେକୌଣସି ଛୋଲେ ମସଲା ପକାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଛୋଲେ ମସଲା ନିହାତି ପକାଇବେ, ଯେଉଁଟା ତା ଟେଷ୍ଟଟାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇଦେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ତ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ।